हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 1 में हम इंट्रोडक्शन जो है चैप्टर का, बेसिकली सिलेबस का इंट्रोडक्शन जो था उसके बारे में स्टडी किए थे। किन-किन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि आपका है स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चरल स्टील होता क्या है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल स्टील से कितने सेक्शंस बनाए जाते हैं। तो अगर हम बेसिकली बात करें स्ट्रक्चरल स्टील की, बात करें कि स्ट्रक्चरल स्टील क्या, अच्छा एक चीज, स्टील मतलब स्ट्रक्चरल स्टील बताने से पहले हम आपको एक चीज बता दें, स्टील क्या होता है। स्टील क्या होता है, ठीक है, आपने स्टील का नाम हर जगह सुना होगा, हर जगह आपने स्टील का नाम सुना होगा कि स्टील क्या होता है। ठीक है, अब यहां पे मुझे क्या पढ़ना, मुझे स्ट्रक्चरल स्टील पढ़ना है। स्ट्रक्चरल स्टील का मतलब उस प्रकार का स्टील, उस टाइप का स्टील जो हम किसी एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज करें। स्पेसिफिक पर्पज का मतलब ऐसे हमको कहीं बिल्डिंग बनानी है, कुछ भी बनानी है, तो उसके लिए जो हम स्टील यूज करते हैं उसको हम स्ट्रक्चरल स्टील बोलते हैं। जो हमारा नॉर्मल स्टील होता है इसमें किसी भी प्रकार का स्टील आ सकता है, किसी भी तरह के यूज के लिए आ सकता है, लेकिन जब हम कोई स्पेसिफिक काम करते हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चरल स्टील का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि स्ट्रक्चरल स्टील होता क्या है, तो जो हमारा स्ट्रक्चरल स्टील होता है, जो भी हमारा आयरन होता है, आयरन का मतलब क्या है, लोहा, लोहे को ही हम क्या कहते हैं, लोहा ही हमारा क्या कहलाता है, लोहा ही हमारा स्ट्रक्चरल स्टील कहलाता है। ठीक है ना, लोहा हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चरल स्टील कहलाता है। अगर लोहे को देखा जाए तो लोहा किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, पिग आयरन के फॉर्म में। लोहा किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है ना, फॉर्म ऑफ आयरन। लोहा किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, पिग आयरन के फॉर्म में अवेलेबल होता है। पिग आयरन को अगर हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, तो इसको प्यूरिफाई करने के बाद हम क्या बनाते हैं, कास्ट आयरन बनाते हैं। आप कास्ट आयरन को शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, सीआई बोलते हैं। आपने बहुत सारे जगह पर सुना होगा कास्ट आयरन को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, सीआई बोलते हैं। आप नल वगैरह देखा होगा, ये सब किसके बेसिकली बनाए जाते हैं, ये सब बेसिकली कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पिग आयरन होता है, पिग आयरन को हम प्यूरिफाई कर देते हैं, तो प्यूरिफाई करने के बाद हम किसको बनाते हैं, कास्ट आयरन को बनाते हैं। उसके बाद हम स्टील की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। स्टील की प्रॉपर्टी में एलॉय, अगर हम क्या करें, सॉरी आयरन में हम क्या करें, एलॉय को मिलाते हैं। ठीक है, आयरन, अच्छा ठीक है, उससे पहले एक चीज और देख लीजिए, जो हमारा रॉ आयरन होता है, जो हमारा रॉ आयरन होता है, रॉ आयरन का मतलब क्या है, कच्चा लोहा। इस कच्चे लोहे को क्या कहते हैं, कच्चा लोहा हमारा क्या कहलाता है, और कहलाता है। कच्चे लोहा जिस भी फॉर्म में रहता है वो क्या होता है, वो उसको हम और कहते हैं। जब हम इसको भट्टी में जलाते हैं, फर्नेस माने क्या होता है, भट्टी, जब इसको हम भट्टी में जलाते हैं, भट्टी में जला के इसको इसके एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ले जाते हैं, उस टेम्परेचर पे ले जाते हैं कि ये क्या हो जाता है, ये आपका मेल्ट हो जाता है। फर्नेस में हम इसको क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील या डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील या डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी हम प्रॉपर्टी को किस तरह चेंज करेंगे, तो इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए जो हमारा आयरन होता है, ठीक है, जो हमारा आयरन होता है, आयरन में अगर हम एलॉय को मिला दें, आयरन में अगर हम एलॉय को मिला दें, एलॉय देखिए क्या होता है, एलॉय बेसिकली क्या होता है, एलॉय मतलब अलग अलग जो पदार्थ होते हैं वो लोहे में जब मिला देते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसको एलॉय कहते हैं। एलॉय में जैसे हम क्या गया, थोड़ा सा क्रोमियम की मात्रा मिला दी, मैग्नीज की मात्रा मिला दी, मतलब जो अदर मटेरियल है, जैसे आयरन क्या हमारा लोहा है, लोहे के अलावा भी तो और भी मटेरियल होते हैं जो लोहे जैसे होते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं। तो जब हम आयरन में एलॉय को मिला देते हैं तो क्या होती है, ये जब हम मिला देते हैं तो हमको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी के क्या मिल जाते हैं, आयरन मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन स्टील्स। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंट टाइप्स को हमको क्या मिल जाते हैं, आयरन मिल जाते हैं, स्टील मिल जाते हैं, या फिर इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी हमको मिल जाती है। अब अगर हम स्टडी करते हैं कि स्ट्रक्चरल स्टील कितने टाइप्स का हो सकता है, तो अगर सबसे पहले स्ट्रक्चरल स्टील के बारे में देखें, तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, कार्बन स्टील। सबसे पहले कार्बन स्टील आता है, दूसरा हमारा हाई स्ट्रेंथ कार्बन स्टील आता है, तीसरा फायर रेजिस्टेंट आता है, चौथा स्टेनलेस स्टील आता है, और पांचवे की बात करते हैं तो पांचवा हमारा क्या आता है, हमारा वेदरिंग स्टील आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन स्टील क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कार्बन स्टील।
जिस स्टील में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, कार्बन की मात्रा क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा कहलाता है कार्बन स्टील कहलाता है। ठीक है, इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो आपका क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, मेन कंपोनेंट के रूप में दो तरीके की चीजें मिली होती है, एक कार्बन होता है और एक मैग्नीज होता है। ठीक है, कार्बन और मैग्नीज इसमें दो तरह की चीजें मिली रही होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, मैगनीज की स्पेलिंग सही कर लीजिए, मैगनीज MAGANES। ठीक है, तो जिस भी कार्बन स्टील में, जिस भी स्टील में कार्बन और मैग्नीशियम की मात्रा मिली होती है, इसको, इस स्टील को हम क्या कहते हैं, कार्बन स्टील कहते हैं। इसके लिए इसका IS कोड क्या है, IS 2062 क्या है, इसका कोड है। ठीक है, इसके अगर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, इसका जो स्ट्रेंथ होता है 410 से लेकर 430 मेगा पास्कल तक जाता है, 410 से 430 मेगा पास्कल तक जाता है। ये आपका क्या होता है, ये इसका टेंजाइल स्ट्रेंथ होता है, ये इसका क्या होता है, टेंजाइल स्ट्रेंथ होता है। ठीक, ये इसका टेंजाइल स्ट्रेंथ होता है। मेगा पास्कल का मतलब क्या है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एक मेगा पास्कल का मतलब क्या है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। दूसरा हमारा आता है हाई कार्बन, हाई स्ट्रेंथ कार्बन स्टील। इसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। देखिए, अगर किसी लोहे में स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए तो हम कार्बन की मात्रा को बढ़ा दें, स्ट्रेंथ उसकी क्या है, बढ़ जाती है, लेकिन ये एक लिमिट तक ही होती है। तो इसमें क्या होता है, हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसमें हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन को मिलाते हैं। अगर इसके टेंजाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो 480 से लेकर 550 मेगा पास्कल तक जाता है। ठीक, तीसरा हमारा होता है फायर रेजिस्टेंट स्टील। इसको क्या किया जाता है, फायर रेजिस्टेंट बनाया जाता है, इसको जल्दी से ये जले मत, आग लगाने पे ये पिघले मत, तो इसको हम क्या करते हैं, थर्मोस्टैटिकली ट्रीटेड स्टील होता है। ठीक है ना, थर्मोस्टैटिक रूप से हम इसको क्या करते थे, ट्रीट कर देते, जब इसको हम बनाते हैं, ट्रीट बनाते हैं तो इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हम कुछ डोपिंग कर देते हैं। डोप करने का सेंस क्या है, इसको हम थर्मोस्टैटिकली तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, थर्मोस्टैटिकली तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, मॉडिफाई फॉर फायर प्रूफ, सॉरी फायर रेजिस्टेंट, फायर रेजिस्टेंट के लिए क्या कर देते हैं, इसको मॉडिफाई कर देते हैं। अगला हमारा आता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो काफी ज्यादा लो होती है, कार्बन की परसेंटेज लो होती है। और क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम हमारा इसमें 10.5%, निकल 0.5% होता है, जिससे ये क्या हो जाता है, ये रस्ट फील्ड बन जाता है, इसमें जल्दी जंग नहीं लगता। आगे इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होता है, ये डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी आपका फ्लेक्स होते रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, आपका फ्लेक्सिबल होते रहता है। अगला हमारा आता है वेदरिंग स्टील। वेदरिंग स्टील में क्या होता है, ये लो एलॉय करोजन रेजिस्टेंट स्टील होता है, इसमें एलॉय की मात्रा कम होती है, लेकिन ये भी क्या होता है, करोजन रेजिस्टेंट स्टील होता है। इसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो 350 मेगा पास्कल से लेके 480 मेगा पास्कल तक ये वेरी करता है। तो अभी जो आपने पढ़ा ये सिर्फ स्ट्रक्चरल स्टील के बारे में पढ़ा, अगला हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि प्रॉपर्टी जब स्ट्रक्चरल स्टील क्या है, स्ट्रक्चरल स्टील की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम आपको प्रॉपर्टी बताएंगे तो उसमें जितने भी टाइप्स के स्टील होते हैं, जैसे कास्ट आयरन क्या होता है, रॉट आयरन क्या होता है, स्टील क्या होता है, माइल्ड स्टील क्या होता है, उन सारी चीजों के बारे में हल्का हल्का आपको बता देंगे। फिर हम फिजिकल, केमिकल और अदर प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए, तब तक
ठीक है, आगे देखते हैं। हम जब पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल स्टील पढ़ लेते हैं, तो स्ट्रक्चरल स्टील में कुछ और भी चीजें हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कास्ट आयरन, कि कास्ट आयरन क्या होता है, ठीक है, कास्ट आयरन के बारे में स्टडी करते हैं। अब देखिए, जो हमारा कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन की अगर बात करें तो कास्ट आयरन में जो कार्बन होता है, इसकी कार्बन की 2 से लेकर 4% तक इसकी क्या होती है, इसमें कार्बन की मात्रा होती है। अगर हम कास्ट आयरन की बात करें तो इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है ये 2 से लेकर 4% तक क्या होता है, कार्बन की मात्रा होती है। और इसमें इसकी जो तनन सामर्थ्य होती है वो कम होती है, इसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है। क्या होता है, लो टेंजाइल स्ट्रेंथ। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो अगर आपको कहीं टेंजाइल स्ट्रेंथ कम चाहिए और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम कास्ट आयरन यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, रॉट आयरन होता है। दूसरे की बात करते हैं, रॉट आयरन। देखिए, अगर हम आयरन की बात करते हैं तो ये सबसे क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ये आयरन का क्या होता है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 0.15% होती है। इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 0.15% होता है, ठीक है। राट आयरन की बात करें तो ये क्या होता है, इसमें चिमड़पन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। चिमड़पन मतलब, चिमड़पन की अगर हम बात करें तो ठीक, इसमें क्या होती है, ये इसमें चीमड़पन होता है, ये बहुत ज्यादा चीमड़ होता है, चीमड़ मतलब टफनेस की मात्रा इसमें, ये क्या होता है, काफी ज्यादा टफ होता है, ये काफी ज्यादा टफ होता है, ये काफी ज्यादा डक्टाइल होता है, ठीक है। रॉट आयरन आपका क्या होता है, डक्टाइल भी होता है, ठीक है। उसके बाद आपका बात करते हैं तो ये टफ भी होता है, और ये आपका क्या होता है, ये आपका डक्टाइल भी होता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, ये मैलिएबल होता है, टफ की बात क्या है, ये जल्दी से टूटता नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, रॉट आयरन जल्दी टूटता नहीं है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, ये फ्लक्स भी हो सकता है आपका। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, इसको किसी वायर के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम किसी वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या फिर इसको हम किसी प्लेट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो रॉट आयरन, हम उस चीज को रॉट आयरन बोलते हैं, ठीक है ना। रॉट आयरन अगर आप देखें तो बेसिकली ये बिल्डिंग्स वगैरह में, ब्रिज वगैरह में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना। तीसरा हमारा आता है स्टील या हाई कार्बन स्टील, जैसे मैंने आपको बताया। हाई कार्बन स्टील में क्या होता है, 1 से लेकर 0.75% तक कार्बन होता है, ठीक है। हाई कार्बन स्टील की बात करते हैं तो हाई कार्बन स्टील में 1 से लेकर 0.75% तक क्या होता है, आपका कार्बन मिला होता है, ठीक है। ये हथौड़े वगैरह जो भी होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। अगला हम लिख देते हैं हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन। हाई कार्बन स्टील जो होता है ये काफी, इसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है, इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 1% से लेकर 0.75% होती है। और जो हथौड़ी वगैरह बनते हैं, हैमर वगैरह बनते हैं, छेनी वगैरह बनते हैं, कैंचियां बनती हैं, वो हाई कार्बन स्टील की ही बनाई जाती है, ठीक है। हाई कार्बन स्टील की बना सकते हैं। अगर नॉर्मल स्टील की बात करते हैं कि नॉर्मल स्टील क्या होता है, तो नॉर्मल स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज होती है ये आपका
1.5% के करीब होता है, ठीक है। नॉर्मल में क्या होता है 1.5% के करीब होता है। यह क्या होता है इसकी बात करें तो ये काफी ज्यादा डक्टाइल होता है। ये क्या होता है, ये डक्टाइल होता है, इसमें जल्दी रस लग जाता है। क्या होता है, क्या होता है, इसमें जल्दी रस लग जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है फास्ट रस्टिंग, फास्ट रस्टिंग होता है, मतलब इसमें क्या होता है जल्दी जंग लग जाता है, ठीक है। स्टील के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगला माइल्ड स्टील की बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी माइल्ड स्टील की। तो देखिए जो माइल्ड स्टील होता है इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 0.15 से लेकर 0.30% तक होती है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है कार्बन की मात्रा होती है, ठीक। ये जो मृदु इस्पात होता है ये काफी ज्यादा क्या होता है डक्टाइल होता है, ये भी क्या होता है डक्टाइल होता है, ये भी डक्टाइल होता है। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वाइडली यूज्ड। जो माइल्ड स्टील होता है सबसे ज्यादा जो हमारी स्टील होती है वो माइल्ड स्टील ही यूज किया जाता है। और माइल्ड स्टील को हम क्या करते हैं अलग अलग सेक्शंस में इसको बना भी सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन कैन बी क्रिएटेड या फैब्रिकेटेड। जो माइल्ड स्टील होता है उस माइल्ड स्टील से हम क्या कर सकते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के और स्टील्स को हम बना सकते हैं, ठीक है, और मतलब सेक्शंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा स्ट्रक्चरल स्टील के बारे में सारा डिटेल हो गया। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, कि स्ट्रक्चरल स्टील की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील की, स्ट्रक्चरल स्टील की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो स्ट्रक्चरल स्टील की जो हमारी प्रॉपर्टी होती है इसको हम सबसे पहले किस कोड के अंतर्गत पढ़ते हैं उसकी स्टडी कर लेते हैं। इसको हम IS 19, ठीक है, ये जो कोड है हमारा IS 19772062, और 8500, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते करते हैं इसकी स्टडी करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी जब स्ट्रक्चरल स्टील होता है इतने आईएस कोड के अंदर क्या होता है, इतने आईएस कोड के अंदर दिया गया होता है, ठीक है ना। और अगर दो मेन आईएस कोड की बात करते हैं तो जो दो मेन आईएस कोड है IS 1992, ये दो मेन आईएस कोड है 2062 1992, इसके अनुरूप स्ट्रक्चरल स्टील होना चाहिए। जो भी हमारा स्ट्रक्चरल स्टील है ये इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस कोड के अकॉर्डिंग अगर आपका स्ट्रक्चरल स्टील नहीं है
तो वो बिल्कुल आपका सही नहीं है। तो अब इसकी प्रॉपर्टी की बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चरल स्टील की फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखते हैं जिसकी डेंसिटी होती है, इसकी डेंसिटी आपकी, इसकी डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 78.5 किलोग्राम किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर आप इसको किलोग्राम में लिखना चाहें तो आपका ये हो जाएगा 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये क्या हुआ इसकी डेंसिटी, जो हमारी इसकी डेंसिटी होती है वो 78.5 या 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होती है। डेंसिटी के अलावा अगर हम बात करते हैं इसके यंग्स मॉडुलस की बात करते हैं, किसका यंग्स मॉडुलस कितना होता है, यंग्स मॉडुलस यानी कैपिटल ई, कैपिटल ई की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो हमारा कैपिटल ई होता है वो 2×10⁵ मेगा पास्कल होता है, 2×10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको मेगा पास्कल में लिख सकते हैं, ठीक, आप इसको मेगा पास्कल में लिख सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं इसके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी, इसकी जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है वो आपका 0.84 × 10⁵ से लेके 0.98 × 10⁵ तक जाती है। ठीक, एक और इसकी बात करें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है मतलब कितना फैलाव हो सकता है, ये आपको आता है 12×10⁶ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये इसका क्या होता है, लीनियर एक्सपेंशन होता है, उस लीनियर एक्सपेंशन के अनुसार क्या कर सकता है, वो फैल सकता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है इसको भारतीय मानक IS 2062 1992 होगा, ये आपका क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड टू बी फॉलोड, स्टैंडर्ड टू बी फॉलोड, इसी स्टैंडर्ड को क्या करना होता है, फॉलोड करना होता है। तो इस स्टैंडर्ड के अनुसार जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टील की होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम तीन अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, तीन अलग अलग ग्रेडों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ ग्रेड होता है, एक तरफ क्या होता है, डेस्टिनेशन होता है यानी संज्ञा होती है। तो स्टील की अगर हम बात करते हैं ग्रेड की, तो जो स्टील के ग्रेड होते हैं तीन तरीके के भागों में बांट सकते हैं, A, B और C। एक तरफ हो गया हमारा डेस्टिनेशन, तो अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील को हम इस तरह तीन भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, A, B, C,
एक क्या इतना है Fe410W, Fe410WB, Fe410WC। तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, ए क्या बता रहा है, बी क्या बता रहा है, सी क्या बता रहा है, अगर इस चीज की हम बात करते हैं तो बेसिकली जो एबीसी होता है वो ग्रेड ऑफ स्टील बताता है। एबीसी हमारा क्या बताता है, ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में बताता है कि किस ग्रेड का स्टील है। ठीक है, एबीसी आपका क्या बता रहा है, यहाँ पे एबीसी हमारा बता रहा है ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में बता रहा है कि स्टील हमारा किस ग्रेड का है। ठीक, एबीसी हमारा ग्रेड स्टील के बारे में बता रहा है कि किस टाइप का ग्रेड होता है। ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 410 कई जगह लिखा है, तो 410 हमारा क्या बताता है, 410 हमारा स्ट्रेंथ बताता है, 410 हमारा क्या बताता है, इसका मिनिमम टेंजाइल स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। ठीक है, 410 जो हमारा यहाँ पे शो कर रहा है, 410 क्या है, मिनिमम टेंजाइल स्ट्रेंथ, मिनिमम चार सौ दस हमारा क्या है, मिनिमम टेंजाइल स्ट्रेंथ बताना बताता है कि मिनिमम 410 तो आना ही आना चाहिए किसी भी तरह किसी कीमत पे। ठीक है ना, तो वो आपका ये बताता है। अब बात आती है कि इसमें डब्लू का क्या मतलब है, इसमें आपको डब्लू बता रहा है, डब्लू का क्या मतलब है, तो डब्लू का मतलब है वेल्डेबल का मतलब वेल्डिंग इसकी की जा सकती है, वेल्डिंग कैन बी डन, वेल्डिंग कैन बी डन, वेल्डिंग किया जा सकता है। ठीक है, तो डब्लू वेल्डिंग के बारे में बता रहा है, एबीसी आपका ग्रेड के बारे में बता रहा है। ठीक है ना, ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, ये तो ये रहा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी आप नोट करिए। ठीक है, ये आपका कह रहा फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के लिए आप लोग को एक टेबल बनवाना होगा, तो हम टेबल एक बनवा देंगे। ठीक है, आगे हमारा आता है केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। केमिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए एक छोटा सा टेबल बनवाना है, तो टेबल हम बना देते हैं, वो चीज आप देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, ग्रेड आ जाएगा, सबसे पहले आपका ग्रेड आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आपकी स्टील आ जाएगी। तो ग्रेड की बात करते हैं, पांच तरीके के ग्रेड होते हैं, ए बी सी, और जो चौथा और पांचवा ग्रेड होता है वो Fe440 होता है और Fe540 होता है। ठीक है, इन तीनों ग्रेड में तो Fe410 ही यूज होगा। Fe540, ठीक, ये आपका ग्रिड हो गया, ये आपका स्टील हो गया।
जो तीसरा हमारा आता है वो हमारा आता है कार्बन का परसेंटेज और मैंगनीज का परसेंटेज, तीसरा हमारा आता है कार्बन का परसेंटेज, चौथा हमारा आता है मैंगनीज का परसेंटेज, जो पांचवा हमारा आता है वो सल्फर आता है, सल्फर का आता है। उसके बाद हमारा आता है सिलिकॉन का, सिलिकॉन का, और जो लास्ट हमारा आता है वो आता है फास्फोरस का। लास्ट हमारा किसका आता है? फास्फोरस का आता है, कि फास्फोरस का परसेंटेज कितना होता है। सिलिकॉन ऐसा ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन 0.23% होता है, ठीक। उसके बाद आपका 0.20 आगे हम बात करते हैं मैग्नीज की, तो इस समय क्या होता है 1.5% के करीब होता है, 1.5% 1.5% 1.5% 1.3% 1.6% सल्फर की मात्रा आती है तो 0.05%, ठीक है, 0.045% 0.040% 0.050% 4.5% सिलिकॉन की मात्रा तो इसमें नहीं होता है, इसमें क्या होता है 0.4% होता है, इसके बाद 0.4, ठीक है, फिर होता है 0.45 ठीक। लास्ट हमारा आता है क्या? लास्ट हमारा आता है फास्फोरस। फास्फोरस की बात करते हैं, ये आपका होता है 0.050 0.045 0.050 0.045। ये हमारा क्या रहा? ये हमारी आपकी प्रॉपर्टी हो गई सारी। एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हालांकि ये सब बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, मेन जो आपका था वो फिजिकल प्रॉपर्टी था, इन सारी चीजों को उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो अगर आप लोग कहें, आप लोग चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सिलेबस का एक पार्ट है तो हम बता दे रहे हैं, इसीलिए हम इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें उतनी नहीं पूछी जाती है। अब अगला है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी आता है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको रहने देते हैं, छुड़वा देते हैं, इसका कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। हाँ, स्ट्रेसेस के बारे में कुछ आपको बता देते हैं। स्ट्रेसेस भी आपका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। स्ट्रेसेस भी क्या है आपका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रेस के बारे में आपको पूछता नहीं। अगर आपसे पूछेगा तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पूछेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी के अलावा और किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या पूछेगा? मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आपसे ये पूछता है कि जो स्टील होती है उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी होती है, ठीक है ना। अल्टीमेट स्ट्रेंथ वगैरह कैसे कितनी होती है, तो मैंने आपको बता दिया जो वैल्यू लिखा रहता है, एफ के बाद जो वैल्यू लिखी रहती है वही उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, ठीक है।
अब एक परमिसिबल स्ट्रेस आता है, तो परमिसिबल स्ट्रेस के बारे में हम आपको बता देते हैं कि परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी था, केमिकल था, और केमिकल के बाद मैकेनिकल था, तो मैकेनिकल मैं आपको नहीं बता रहा हूं। आगे हम पढ़ते हैं परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील। परमिसिबल स्ट्रेसेस स्ट्रक्चरल स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील इसका भी एक टेबल है, आप इस टेबल को नोट कर लीजिए। इसका भी एक टेबल है, आप इस टेबल को नोट कर लीजिए, क्योंकि उसी टेबल से सारी चीजें होंगी। तो टेबल हम आपको क्या करते हैं, नोट करवा देते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना। ठीक, टेबल हम आपको नोट करवा देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें, तो एक तरफ आप स्ट्रेस लिख लीजिए, एक तरफ आप लिख लीजिए स्ट्रेस, और दूसरे तरफ आपका हो जाएगा, दूसरे तरफ आपका हो जाएगा कि किसकी कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। एफ वाई क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस होता है, अलग अलग यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आती है। यहां पे लिख लीजिए परमिसिबल स्ट्रेस, पर अकॉर्डिंग टू यील्ड स्ट्रेस, अब देखिए इसमें कुछ चीज हम आपको बता दें। सबसे पहले तो देखिए एफ वाई क्या होता है, एफ वाई हमारा क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस होता है, यील्ड स्ट्रेस होता है। एफ वाई को कभी कभी हम सिग्मा वाई भी लिखते हैं, यील्ड स्ट्रेस होता है। यील्ड स्ट्रेस का मतलब क्या है, यील्ड स्ट्रेस का मतलब है एक ऐसा बिंदु जहां से स्ट्रेस की वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे आपने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व पढ़ा होगा, उसमें एंड पॉइंट दिया होगा, जहां से मटेरियल बदलाव आना स्टार्ट, ये ऐसा स्ट्रेस होता है जहां से मटेरियल क्या होता है, बदलाव आना स्टार्ट होता है, उसे यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। आगे हमारा आता है परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस को मैक्सिमम स्ट्रेस बोलते हैं। परमिसिबल शब्द का मतलब क्या, मैक्सिमम, कि इसके ऊपर नहीं जा सकता, मैक्सिमम मतलब इसके ऊपर नहीं जा सकता है, मैक्सिमम के ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि लिमिट लगाई गई है, इसलिए उसको परमिसिबल बोल रहे हैं कि उसके ऊपर आपको नहीं जाना है, ठीक है। अब स्ट्रेस की इसके लिए वैल्यू देख लीजिए, किसके लिए कितनी वैल्यू आती है, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग वैल्यू है, ठीक है ना। एक्सियल टेंजाइल है, बेंडिंग है, सीयर स्ट्रेस है, एवरेज है, और बियरिंग है, सबके लिए इसमें अलग 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 वैल्यू होती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि मैं इसकी फोटो लगवा दूंगा, आप लोग वहां से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे बहुत ज्यादा काम का नहीं है, इसका दो दो डायग्राम है। तो एक मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप उसके अनुसार वो नोट कर लीजिएगा, फिगर लगवा दूंगा मैं। जैसे एक्सियल टॉर्जन है, ये 0.6 FY पे है, 0.6 FY पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो पहला जैसे आ रहा है 138 आ रहा है, 138 मेगा पास्कल, दूसरा 144 मेगा पास्कल, तीसरा 150, चौथा 156। तो इसी तरीके से सारी चीजें दी गई है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, बोल देंगे सर से, वो टेबल लगा देंगे, टेबल आप लोग नोट कर लीजिएगा, वो सारा दिक्कत खत्म हो जाएगा आप लोगों का। मैं अभी बोल रहा हूँ, ये सब सारी चीजें ज्यादा पूछी नहीं जाती है, जो भी वैल्यू देगा वो आप लोग कर ले जाएंगे, उतना मैं आपको बता दूंगा।
ठीक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस। अगला जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन है। तो आज हम लिखवा देते हैं कितने टाइप के स्ट्रक्चरल स्टील के सेक्शन होते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस देखिए, स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन क्या होते हैं। जब भी हम स्ट्रक्चरल स्टील का उपयोग करके या प्रयोग करके अलग अलग सेक्शंस बनाते हैं, ऐसे टी सेक्शन, एल सेक्शन, सी सेक्शन, आई सेक्शन, रोल्ड सेक्शन अलग, जैसे ये क्या हो गया देखिए, ये भी आपका सेक्शन है ठीक। ये आपका स्टेपलर हो गया, क्या हो गया, ये भी आपका क्या है, सेक्शन है। ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका क्या है, सेक्शन है ठीक है। तो ये सब क्या है, अलग अलग सेक्शंस हैं। तो सेम हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील का यूज करके अलग अलग सेक्शंस बनाते हैं, जिन सेक्शंस के बारे में आपको क्या है पढ़ना है ठीक है। तो इनको हम डिवाइड कैसे करते हैं, इनके लंबाई चौड़ाई और गहराई, लंबाई चौड़ाई और गहराई के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड करते हैं जिसको हमको पढ़ना है। सबसे पहले जो हमारा सेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रोल्ड स्टील बीम सेक्शन। सबसे पहला जो हमारा होता है वो है रोल्ड स्टील बीम सेक्शन, रोल्ड स्टील बीम सेक्शन। दूसरा हमारा आता है रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन, तीसरा हमारा आता है रोल्ड स्टील टी सेक्शंस, चौथा हमारा आता है रोल्ड स्टील एंगल्स या एंगल सेक्शंस। पांचवा हमारा आता है रोल्ड स्टील ट्यूब्स, छठा हमारा आता है रोल्ड स्टील बार्स, सातवां हमारा आता है रोल्ड स्टील फ्लैट्स। तो ये क्या हो गए, सात अलग अलग तरह के, क्या हो गए, सात अलग अलग तरह के आपके सेक्शंस हो गए ठीक है। सात अलग अलग आपके सेक्शंस हो गए। एक इसमें और आता है इंडियन स्टैंडर्ड राउंड एंड स्क्वायर बार ठीक है ना। तो ये अलग 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 ऐसे दिया गया, तो ये टोटल आपके क्या हो गए, टोटल सात हो गए। तो इन सातों के बारे में जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा, जो अच्छे से मतलब जो पूरी बढ़िया तरीके से डिस्क्रिप्शन होगा वो कल के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। कल के वीडियो लेक्चर में हम बकायदे इसको अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजें कैसे कैसे क्या होती है ठीक है, कैसे इनको डिस्क्राइब करेंगे, तो इन सारी चीज का हम डिस्क्रिप्शन कर लेंगे ठीक है। स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में काफी हमने आपको बता दिया ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे कल वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।